आंकिक प्रश्न दिया गया था, दो स्वतंत्र बिंदु आवेश प्लस 4q प्लस q एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ये देखिए, प्लस 4q प्लस q एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक तीसरे आवेश का मान, चिन्ह और स्थिति ज्ञात करिए कि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में रह सके, संतुलन की अवस्था में रह सके। तीसरे आवेश को मान लीजिए हम 4q से x दूरी q डैश पर रखते हैं। अभी इसका चिन्ह हमने तय नहीं किया है। यहाँ से आगे की ये दूरी r-x हो जाएगी। अगर ये प्लस का रखेंगे, इसके कारण प्रतिकर्षण बल, इसके कारण प्रतिकर्षण बल, बल विपरीत दिशाओं में हो जाएंगे। अगर बराबर होंगे तो संतुलन बना रहेगा। अगर ये माइनस रखेंगे, इसके कारण आकर्षण, इसके कारण आकर्षण विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तब भी संतुलन बना रहेगा। तो पहले चिन्ह नहीं तय करना है हमें, वो सॉल्यूशन करने पर ही चिन्ह आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके कारण बल और इसके कारण बल बराबर होने चाहिए, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस या माइनस कुछ भी होगा तो इनके कारण बल विपरीत दिशा में तो लगेंगे ही, बराबर होने चाहिए। इसीलिए प्लस क्यू, 4q और प्लस क्यू, इनके कारण बल, इस और इसके कारण बल निकालेंगे तो 1/4π0 4q गुणा q′(x²), इसके कारण बल निकालेंगे F बराबर q′q फॉर 1/4π0 q′q/r-x², जैसे ये दिया गया है। और इसको हल किया, ये कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, 4/x² q′ कैंसिल हो गया, x का मान 2r/3 आ गया। इस प्लस क्यू आवेश को भी संतुलन में होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था या संतुलन की अवस्था में हमें करना है। तो अगर ये भी साम्यावस्था में रहेगा, कब? इसके कारण बल एक ओर लगे, इसके कारण बल विपरीत दिशा में लगे, तो ये निश्चित हो गया कि इसके कारण तो बल इधर लगेगा, तो इसके कारण बल इधर लगना चाहिए। यानी q' और 4q के कारण प्लस q पर बल बराबर और विपरीत दिशा में होने चाहिए, दोनों बल बराबर हों और विपरीत दिशा में हो। इसी तरीके से प्लस 4q को भी संतुलन में होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है संपूर्ण निकाय संतुलन की अवस्था में हो। तो ये संतुलन में कब रहेगा? जब इस पर भी दोनों बल बराबर और विपरीत हों, q' के कारण बल, q के कारण बल। अब q प्लस q के कारण बल तो इधर लगना ही है, तो इसका मतलब हुआ कि q' के कारण इधर लगना चाहिए, बराबर विपरीत दिशा में। तो इन दोनों के संतुलन के लिए भी बल के मान बराबर करेंगे। जैसे प्लस क्यू के संतुलन के लिए बल दोनों का जोड़ हमने जीरो कर दिया, इसी तरीके से प्लस 4q के संतुलन के लिए भी दोनों का योग जीरो कर दिया। और यहां से कैलकुलेट करके आ गया q' का मान -4/9q, चाहे ऐसे निकालें चाहे यहाँ से -4/9 q। तो इन दोनों में से कोई सा एक सॉल्यूशन में कर देंगे, दोनों आने चाहिए, बात पूरी समझ आनी चाहिए। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन कब होते हैं। जैसे एक लट्टू हो, इसका नुकीला भाग ऊपर हो और भारी भाग नीचे हो, तो ऐसे अगर रखा गया है पृथ्वी तल पर, फर्श पर अगर ऐसे रख दिया
तो इसको हम इसकी साम्य स्थिति से थोड़ा इधर करके छोड़ दें तो ये वापस आएगा, इधर करके छोड़ दें तो वापस आएगा, यानी ये संतुलन स्थायी हो गया। थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, छोड़ते ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। ये अगर ऐसे नुकीला भाग नीचे करेंगे और भार चौड़े वाला भाग ऊपर करेंगे लट्टू को, तो ये अस्थायी संतुलन हो जाएगा। अस्थायी इसलिए कि यहाँ ये ठहरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इधर करके छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, थोड़ा सा यहाँ से इधर करके छोड़ दो तो नीचे गिरेगा। और उदासीन संतुलन का मतलब जैसे बॉल होती है, गेंद होती है, किसी भी स्थिति में छोड़ दें, इसका कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे आगे पीछे कर दें, कहीं भी छोड़ दें, तो ये इसी दिशा में ठहरी हुई रह सकती है। तो ये उदासीन संतुलन हो गया, यानी हर स्थिति में ये ठहर सकती है। तो स्थायी, अस्थायी और उदासीन संतुलन का मतलब क्या होता है, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और संतुलन का मतलब यहाँ ये भी होता है, जैसे कि इस वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है और जो ये आधार रखा हुआ, जहाँ ये रखी हुई है, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से जानी चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होनी चाहिए जहाँ ये रखी हुई है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होनी चाहिए जहाँ ये रखी हुई है। अगर आधार से जा रही है तो ये संतुलन होगा, अगर आधार से नहीं जा रही है तो ये संतुलन में नहीं होगा, गिरेगा। अब वो गिरेगा तो ये संतुलन अस्थायी भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बार समझ आ जाए तो बहुत सारी जगह ये बात इस्तेमाल होगी, समाधान बहुत गहरा हो जाएगा।